अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। टाइम हो रहा है 1 बजे का और मैं बना रही हूँ चीनी वाले पराठे। सुबह नाश्ता किया था, नाश्ते में पराठे और रात वाला गोश्त का सालन था। तो आज जो नाश्ता है वो मैं आज जो नाश्ता था वो हमने सुबह जल्दी कर लिया था, 7 बजे ही कर लिया था, तो बच्चों को भूख लग गई है। तो मैंने सोचा कि अभी सालन तो मैं शाम को ही बनाऊंगी, तो अभी बच्चों ने कहा कि फिर हमें मम्मा चीनी वाले पराठे बना दें, तो मैं चीनी वाले पराठे बना रही हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज है जुम्मे का दिन, तो आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो, जुम्मा तो मुबारक मुबारक हो। और मैं बना रही हूँ चीनी के पराठे, करो पराठे की तरह। दो पराठे बन गए हैं, एक नबीहा का, एक ज़ारा का और एक अमान का, तीन पराठे बनाते हैं। हम कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और मम्मा बना रही है चीनी वाले पराठे, तो हम चलते हैं अब और आपके साथ शेयर करते हैं। दाल वाले पराठे भी ऐसे ही बनाए थे और चीनी वाले भी ऐसे ही। और अगर आप तो जी, ये है हमारी शाम की रूटीन। तो मैंने यहाँ से फर्श वगैरह सारा धोया है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है गर्मी की वजह से। सारा फर्श धो के और धोने के बाद मैंने यहाँ पे बिछाई हैं चारपाइयाँ, एक चारपाई जो है बिछाई है यहाँ पे, और ये कूलर भर के रखा है सीढ़ियों में, और दूसरी चारपाई जो है ये रही, इस चारपाई को हम यहाँ पे बिछाएंगे, ये बच्चों की चारपाई है, और ये वाली जो है ये मेरी चारपाई है। और पंखा देखें, यहाँ पर बरामदे में इतनी सी जगह बचती है, तो हम यहाँ पे जो है पंखा लगा देते हैं अंदर की तरफ से, और यहाँ पे दो चारपाइयाँ आ जाती हैं। बस इतना सा ही छोटा सा ही सहन है जिसमें बस दो चारपाइयाँ आती हैं। और अब्दुलरहमान देखें ऊपर से खड़ा हुआ देख रहा है, ये है हमारा छोटा सा सहन। इधर से भी थोड़ी सी जगह बचती है और उधर से भी बस थोड़ी सी ही जगह बचती है। हस्बैंड लेके आए थे आम, तो उसका मिल्कशेक बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह पी लिया है, खाना भी खा लिया। बाज़ार से लेके आए थे सालन, और पप्पा ने बनाए थे बैंगन और चने की दाल, तो वो पप्पा ने दिया था, और कुछ बाज़ार से लेके आए थे। तो आज मैंने सालन नहीं बनाया, आज जो दिन की रूटीन थी वो हमारी यही थी। बाकी जो है हमारा काम वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और नबीहा की आज है तबीयत ख़राब, नबीहा के बुखार हो रहे हैं और गले में दर्द है। नबीहा की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। नबीहा की आज तबीयत ख़राब है, आज बस ज़ाहरा की सही हुई है तबीयत, आज माशाल्लाह से उसका जो चेहरा है काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। मुझे खुशी हो रही है कि उसकी तबीयत जो है ठीक हो रही है, लेकिन आज इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। इसके गले में दर्द है और इसको बुखार हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है। लेकिन मैं आपको अपना काम दिखाती हूँ, ये लगा हुआ है न्यू डिज़ाइन, न्यू तो नहीं है ये, हम पहले भी बनाते रहे हैं, केले वाला डिज़ाइन इसको बोलते हैं। ये देखें, ये जो बने हुए हैं ना, ये इसके केले से बने हुए हैं, तो इसको केले वाला डिज़ाइन बोलते हैं। माशाल्लाह से ये जो है ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये हम पहले काफ़ी टाइम से ये बना रहे थे पीस, जब यानी कि जिस टाइम पे हमारा चैनल नहीं था,
उससे पहले ही हम तकरीबन साल डेढ़ इस पीस को ना बनाते ही रहे। तो माशाल्लाह इसकी बुकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा आती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से जिसके पास ये काम करते हैं ना हस्बैंड, वो हमें न्यू डिज़ाइन दे रहे थे काफ़ी टाइम से कि आप इनको सेट करके दो। तो अब न्यू डिज़ाइन जो है वो उन्होंने रोक दिए हैं, अब ये वापसी पुराने वाला बना दिए। ये देखें, ये है बॉर्डर इसका, ये मैक्सी है, ये देखें माशाल्लाह से, देखिए कितनी बड़ी है लेंथ, देखें इसकी कितनी है, ये इसकी लेंथ है। अभी इसके ऊपर पेटी बननी है, जो इसकी बैक है वो भी टेल में होती है, तो इस पर भी बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। ये देखें, ये हैं इसके अंदर बूटियाँ, ये छोटी बूटी है और ये वाली जो है ये बड़ी बूटी है। अभी इसके अंदर सिर्फ आरी हुई है, अभी काम जो है हमने ज़्यादा नहीं किया। नबिया की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, बस ज़हरा की टेंशन थी, तो बस ये हस्बैंड कर रहे थे, थोड़ा बहुत नबिया ने किया था, बाकी जो है हस्बैंड कर रहे हैं, नबिया भी कर रही है। नबिया की तो क्योंकि अब तबीयत ख़राब हुई है, आज जुम्मा था तो आज रेस्ट थी, हस्बैंड ने भी आज काम नहीं किया, बस सुबह अड्डा बिछाया था, थोड़ा बहुत काम किया था, तो बाकी बस ऐसे ही सुबह से ही बिछा हुआ है। दुआ करें कि बच्चों की तबीयत ठीक हो जाए, पता नहीं कैसा मौसम है ये, हर बच्चा बीमार है, मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है। नबिया की भी तबीयत सही नहीं है, ज़ाहरा भी, और ज़ाहरा देखें, ज़ारा की माशाल्लाह से मैं आपको गाल दिखाती हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये देखें, सीधा मुँह करो बेटा, सीधी हो मेरी तरफ मुँह कर, ये देखो सिर्फ अब ना इस जगह पे, ये जो ये जगह है ना, सिर्फ इधर दाग थोड़ा सा है और थोड़ा सा इधर है, बाकी ये माशाल्लाह से ये सारी जगह जो है नीट हो गई है। और न ज़ाहरा की तरफ से हमारे चैनल को देखें रहे। तो जी आज का व्लॉग इतना ही था, कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ, तब तक के लिए रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए सुबह के साथ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।